हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने बनाई है खोया रबड़ी आइसक्रीम। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है जो खाने में भी बहुत यम्मी और टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चों को और आपके घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप इसको एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करोगे तो देखिए आपके बच्चे और आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग इसको बार बार खाने के लिए मांगेंगे और आपके मुंह में जाते घुलने वाली डिश है ये। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। तो चलिए गाइस, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस के ऊपर कोई कढ़ाई या कोई पैन रखेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध के 2 पैकेट लिए हैं जो हाफ हाफ केजी के यानी कि आधा आधा किलो के हैं। ये सबसे पहले मैं आधा किलो दूध डाल रही हूँ उसके अंदर और उसके बाद ये दूसरा पैकेट, ये भी आधा किलो का है। ये एक ऐसी आइसक्रीम है जो मुंह के अंदर जाते ही घुल जाएगी और आपका इसका जो स्वाद है वो 2 घंटे तक आपके मुँह से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करके देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसको हमने दूध को पैन के अंदर डालने के बाद इसको बार बार हिलाते रहना है ताकि हमारे जो दूध के ऊपर मलाई बिल्कुल भी ना आए और ना ही हमारा जो दूध है वो बिल्कुल भी नीचे ना चिपके। ये आइसक्रीम बनाने के लिए आप हैवी तली वाली या लें कि जो तले में से मोटा हो उस कढ़ाई का यूज़ करें या उस पैन का यूज़ करें, पर इसे आप बार बार बीच बीच में हिलाते रहें। देखिए मेरा जो दूध है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। बॉयल होने के बाद भी आप इसको बार बार बीच में हिलाते रहें, देखिए इस तरह से। देखिए मेरा दूध अब ये उबल के आधा हो गया है, पर अभी हमने इसको और भी बॉयल करना है, अच्छी तरह से उबालना है और बार बार बीच में हिलाते भी रहना है ताकि हमारा जो दूध है वो नीचे ना चिपके और ना ही इसके ऊपर मलाई आए। देखिए दूध हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दूध के पास खड़े रहें तो आप गैस को स्लो करके आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं, पर बीच में 1 या 2 सेकंड के लिए इसको बीच में हिला लें ताकि दूध में बिल्कुल भी नीचे ना चिपके और पलटे की सहायता से इस तरह से इसके कॉर्नर को भी हटा दें। और अब इसके अंदर हम डालेंगे बादाम जिसको मैंने बारीक दरदरा पीस लिया था। बादाम को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और अब इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी के। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ करें। और देखिए हमारा जो खोया रबड़ी है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद भी आप इसको बार बार हिलाते रहें ताकि हमारा जो खोया रबड़ी है वो बिल्कुल भी नीचे ना चिपके और साइड से इस तरह से कॉर्नर से इसकी हटा लें। किसी पलटे से या किसी चम्मच की सहायता से कॉर्नर को साइड से अच्छी तरह साफ कर लें और बीच में हिलाते रहें। गैस बंद करने के बावजूद भी आप इसको हिला लें। ये देखिए हमारी जो खोया रबड़ी है वो बिल्कुल बन चुकी है, बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको सर्व करेंगे बाउल में या फिर किसी कटोरी में। आप इसको कटोरी में डालने से पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें, बिल्कुल ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी ना यूज़ करें इसको। बाउल में डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे टूटी फ्रूटी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर किशमिश, बादाम या कोई काजू भी सर्व कर सकते हैं।
टूटी फ्रूटी डालने के बाद देखिए कितनी कलरफुल और कितनी प्यारी लग रही है ये। तो गाइज़ हमारी जो रबड़ी, खोया रबड़ी है, वो बनकर बिल्कुल रेडी है।